नमस्कार भाइयों, वेलकम आप सभी का। तो भाइयों, आज हम बात करेंगे आईपीएल का जो पिचवन में मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा, उसमें दोस्तों हमारी फैंटेसी की क्या टीम रहने वाली है, क्या इस मैच की पिच रिपोर्ट्स रहने वाली है। और आज के मैच में ना 2 से 3 ऐसे ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हैं जिनका सेलेक्शन किसी का 2% है, किसी का 5% है, और उनके 100% चलने के चांसेस है। यानी कि वो 3 ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हमको ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक दिलवा सकते हैं। अगर वो खिलाड़ी चलते हैं तो हम मेगा ग्रैंड लीग में टॉप 10 रैंक में भी पहुंच सकते हैं। अगर किस्मत अच्छी होती है तो हम 1 रैंक भी ला सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हैं आज के मैच में जो मेरे को लग रहा कि इनके चलने के ज्यादातर चांसेस है। अब क्यों चांसेस है वो आगे वीडियो में बात करेंगे। और कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ी भी हैं जो आज के मैच में फ्लॉप हो सकते हैं, जिनके कम चलने के चांसेस है। कैप्टन वाइस कैप्टन आज के मैच में किसको लेकर चले, हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाए, अभिषेक शर्मा को कैप्टन बनाए, या ट्रेविस हेड को कैप्टन बनाए, या फिर हम किसी और को, या फिर बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए। आखिर वो ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी कौन से जिनको हम अपनी टीम में लेकर चलने वाले हैं, पिच रिपोर्ट्स कैसी है ताकि उससे हमें पता चले कितने विकेट कीपर लेकर चल सकते हैं, कितने बैट्समैन लेकर चल सकते हैं, कितने हम ऑलराउंडर लेकर चल सकते हैं। सारी बातें दोस्तों वीडियो में करने वाले हैं। और वीडियो में आपके लिए गिवअवे भी रहेगा, जिसका आंसर ठीक होगा उसको 25,000 रुपये का गिवअवे मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है और पूरी वीडियो देखना है। और वैसे भी आज के मैच की अगर आप पूरी वीडियो देखोगे ना और उन ट्रम्प कार्ड खिलाड़ियों को अपनी टीम में ट्राई करोगे तो ग्रैंड लीग विन करने के आपके 90% चांसेस है। कंफर्म है कि आपके 90% चांसेस ग्रैंड लीग विन करने के हो सकते हैं अगर आप ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी को अपनी टीम में रखोगे, कैप्टन वाइस कैप्टन यूनिक रखोगे तो। तो दोस्तों सारी बातें वीडियो में करने वाले हैं और आप वीडियो के माध्यम से एक अच्छी टीम बना लीजिएगा। आशा करता हूं वीडियो को देखते देखते आप लोग लाइक भी कर देंगे, क्योंकि भाइयों आपका लाइक प्यार समर्थन मिलता है तो यहाँ पर आपके साथ प्रेडिक्शन करने में काफी मजा आता है। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक तो जल्दी से फटाक से लाइक कर देना, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आप दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मैच की। मैच है मुंबई इंडियंस वर्सेज सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, कहां पर खेला जाएगा, वानखेड़े स्टेडियम दोस्तों मुंबई में ये मैच खेला जाएगा। तो मुंबई की पिच रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। पिच की बात करें दोस्तों सीधे सीधे बात करें तो ये बल्लेबाजी के लिए पिच मानी जाती है। इस पिच पर बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा हेल मिलती है, अच्छा ग्राउंड है और हाई स्कोरिंग ये ग्राउंड रहता है। वहीं पर बॉलर्स में पेसर्स को थोड़ी अच्छी खासी मदद मिलती है, नहीं तो बैट्समैन को ही यहाँ पर ज्यादा विकेट्स मिलती है। अब रिकॉर्ड्स की बात करें, इस पिच पर अब तक 116 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 53 और सेकंड टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 63 मैच विन किए हैं। चेजिंग करना थोड़ा है यहां पर ज्यादा आसान रहता। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात करें ना तो 150 से नीचे 27 बार स्कोर्स बन चुका है, 150 से 170 के बीच भी 27 बार स्कोर्स बन चुका है, 170 से 190 के बीच 34 बार और 190 से ऊपर इस पिच पर 27 बार स्कोर्स बन चुका है। अच्छी खासी बैटिंग विकेट्स है, ज्यादातर जो स्कोर्स बनता वो 170 से 190 के बीच 34 बार बनता है। वहीं पर एवरेज स्कोर्स भी दोस्तों 170 से 180 के बीच ही रहता है, यानी कि अच्छी बैटिंग के लिए विकेट्स है। हाई स्कोर्स की बात करें 235 हाई स्कोर्स भी जा चुका है, वहीं पर लो स्कोर्स की बात करें तो 67 रन लो स्कोर्स भी रह चुका। अब जो लास्ट मैच हुए थे ना इस ग्राउंड पर उनमें कितना स्कोर्स बना था, जो लास्ट मैच केकेआर वर्सेज मुंबई का हुआ, केकेआर ने दोस्तों 169 रन बनाए और ऑल आउट हो गई थी यहां पर, जबकि मुंबई इंडियंस 145 रन पर ऑल आउट हो गई थी, यानी कि उस टारगेट को चेज नहीं कर पाई थी। वहीं पर दोस्तों पेसर्स को ज्यादा मदद मिली, 14 विकेट्स मिली और स्पिनर्स को 5 विकेट्स मिली। उससे पहले सीएसके और एमआई का मैच हुआ, सीएसके ने 206 रन बनाए, अच्छा स्कोर्स गया, 4 विकेट्स गिरे, मुंबई इंडियंस 186 रन बना पाया, 6 विकेट्स गिरी, पेसर्स को 9 स्पिनर्स को 1, पेसर्स को 9 स्पिनर्स को 2, पेसर्स को 10 स्पिनर्स को 2। विकेट की बात करें तो पेसर्स को ज्यादा एडवांटेज है स्पिनर्स से, लेकिन बैट्समैन को भी अच्छा खासा एडवांटेज है। ये देखो यहाँ पर हाई स्कोर 234, 196, 206, लास्ट मैच थोड़ा कम स्कोरिंग रहा था। अब दोस्तों मुंबई इंडियंस प्लेऑफ से तो बाहर हो चुकी है तो वो खुलकर खेलने वाली है, तो उसके विन करने के ज्यादातर चांसेस हो सकते हैं। जैसे बैंगलोर ने इसको बैंगलोर ने गुजरात को बाहर कर दिया, उसी तरह हो सकता है आज के मैच में मुंबई सनराइजर्स हैदराबाद को प्लेऑफ से बाहर करने की कोशिश करेगा। चांसेस मुंबई इंडियंस के ज्यादा रखकर चलने वाले हैं। तो दोस्तों पिच रिपोर्ट्स को देखते हुए ना हमारी टीम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, देखो दोस्तों पिच है बैटिंग विकेट्स तो आप एक विकेट कीपर भी ले सकते हो, क्योंकि विकेट कीपर में अच्छे ऑप्शन है, कलासेन और
ईशान किशन, आप दो विकेट्स कीपर भी ले सकते हो, अच्छा तो रहेगा एक ही विकेट्स कीपर, लेकिन दोनों अच्छे ऑप्शन है तो आप दो विकेट्स कीपर के साथ भी जा सकते हो। अब दोस्तों बैट्समैन आप चार रख सकते हो आज के मैच में, क्योंकि एक दो ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी जिनको मैं अपनी टीम में रखकर चलने वाला हूं, बाकी हम ऑलराउंडर और बॉलर्स रखकर चल सकते हैं और पिच अकॉर्डिंग भी यही हमारा टीम का स्ट्रक्चर सही रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। दोनों टीमों के बीच 22 मैच खेले जा चुके हैं, हैदराबाद ने 10, मुंबई इंडियंस ने 12। मुंबई इंडियंस ऑन द पेपर भी स्ट्रॉन्ग है और हिस्टोरिकल हिसाब से देखे तब भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुंबई इंडियंस इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। खिलाड़ी काफी तगड़े हैं लेकिन बैलेंस टीम का नहीं बना पाई, जिसकी वजह से जो कॉम्बिनेशन होता है टीम का वो नहीं बन पाया, जिसकी वजह से ये प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। लगभग सारे ही मैच आ रहे हैं, 10 मैचों में से 9 मैचों में से शायद 2 या 3 मैच ही इन्होंने विन किया। हैदराबाद अभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है, आने वाले वो मैचेस जीतती है तो हैदराबाद के चांसेस अभी हैं, तो इसलिए मुंबई यही चाहेगा कि हैदराबाद को भी रोका जाए और हैदराबाद चाहेगा कि मैं क्वालिफाई कर जाऊं, तो हैदराबाद को मैच विन करना जरूरी है। मुंबई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा हार जीत से, तो मुंबई खुलकर खेलेगा तो मुंबई के विन करने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हैदराबाद को हल्के में नहीं लेना। जिस तरह से लास्ट मैच में तो हमने क्लियर बोल दिया था कि गुजरात और बेंगलोर का मैच था तो बेंगलोर कंफर्म विन करेगी, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है क्योंकि हैदराबाद की टीम गजब की परफॉर्मेंस करी है और मुंबई इंडियंस उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो मुंबई इंडियंस फेवर जरूर रहेगी क्योंकि होम ग्राउंड पर भी खेलेगी लेकिन उतना एडवांटेज नहीं रहने वाला। अब बात करते हैं दोस्तों मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की। ईशान किशन, रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, फिर नुवान तुसारा इंपैक्ट खिलाड़ी रहेंगे, नमन धीर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, नेहाल वडेरा, टीम डेविड, कोटेजी, पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह, ये इनकी प्लेइंग 11 है। बॉलिंग की बात करें तो इनके पास जो बॉलिंग ऑप्शन है, जो बॉलिंग कर सकते हैं, जसप्रीत बुमराह कंफर्म हर सिचुएशन में चार ओवर बॉलिंग करेंगे, तो आप मान सकते हो जसप्रीत बुमराह चार ओवर बॉलिंग करेंगे, पीयूष चावला 3 से 4 करेंगे, कोटेजी ये लगभग 3 से 4 ओवर ये भी करेंगे, उसके बाद बात करें हार्दिक पांड्या ये भी 3 से 4 ओवर बॉलिंग करेंगे, लास्ट मैच में नमन धीर ने भी 3 ओवर के आसपास बॉलिंग की थी, लेकिन यहाँ पर स्पिनर्स को कम हेल्प है तो नमन धीर के ओवर कट सकते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 ओवर नमन धीर कर सकते हैं, फिर नुवान तुसारा ये भी 4 ओवर बॉलिंग करने वाले हैं। पावर प्ले की बात करें तो नुवान तुसारा और जसप्रीत बुमराह पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, डेथ की बात करें तो डेथ में जसप्रीत बुमराह, कोटेजी या टीम नुवान तुसारा को भी यूज कर सकती है या फिर हार्दिक पांड्या खुद भी डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। अब यहां से किसको लेकर चला और किसकी रिसेंट फॉर्म कैसी चल रही है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ईशान किशन, 13 रन 32 रन 20 0 8 23 69 42 16 सेलेक्शन 71%, विकेट कीपर में अच्छे ऑप्शन है, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, वेन्यू पर अच्छा है, आईपीएल में अच्छा है, विकेट कीपर दो है, दोनों काफी अच्छे हैं, अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहो तो एक ही विकेट कीपर के साथ हो, नहीं तो दोनों को भी आप ले सकते हो क्योंकि दोनों की अच्छी फॉर्म है, दोनों के पास अपॉर्चुनिटी है, दोनों अच्छे बैट्समैन है, तो ईशान किशन को तो फिलहाल मैं विकेट कीपर में लेकर चलूंगा ही चलूंगा। उसके बाद रोहित शर्मा, दोस्तों लास्ट के 4 मैचों से खराब परफॉर्मेंस चल रही है, उससे पहले आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस था, सेलेक्शन आ गया 55%, तो आज रोहित शर्मा को काफी कंफ्यूजन है क्योंकि लगातार ये बंदा फ्लॉप हो रहा है, तो इसको टीम में लेकर चले या नहीं लेकर चले, रिसेंट फॉर्म देखें तो आप इसको ड्रॉप करने का रिस्क लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि लगातार फ्लॉप चल रहा है, लेकिन खिलाड़ी ऐसा है कि कभी भी 70-80 रन बना सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, अगर पूरा ही टूर्नामेंट आउट ऑफ फॉर्म में जाता तब तो हम इसको लगातार ड्रॉप करके चल सकते थे और इजिली ड्रॉप कर सकते थे, लेकिन इन फॉर्म में है, कुछ ही मैचों से अच्छा स्कोर से निकला, आईपीएल में अच्छी इनिंग्स के लिए शतक भी लगाया, तो देख लीजिएगा टीम में रखो तो आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, नहीं तो ड्रॉप करो तो ड्रॉप भी, क्योंकि खेलेगा तो बड़ी इनिंग्स खेलेगा, नहीं तो फिर वही 10-15-20-25 रन के अंदर आउट हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों 3 नंबर पर, नमन धीर, पहला ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी जो मुंबई इंडियंस की तरफ से हो सकता है वो है दोस्तों नमन धीर, सेलेक्शन देखो आप कितना है 4%, और यहां पर मैं लिख देता हूं ट्रम्प खिलाड़ी, ये ट्रम्प खिलाड़ी होगा, क्यों, क्योंकि एक तो इसने 3 ओवर बॉलिंग की, यानी कि आज भी अगर ये 3 ओवर बॉलिंग कर गया तो 1 विकेट निकाल लेगा, तो ग्रैंड लीग की टीम में तो वहीं से आ गया, प्लस 3 नंबर पर बैटिंग ऑर्डर है और बैटिंग अच्छी करता है, देखो यहां पर 38 रन बनाए, लास्ट मैच में 11 रन बनाए, यानी कि अगर 30 से 40 रन भी बना गया तो
कितना अच्छा पिक हो जाएगा। वैसे ही इस हिसाब से देखा जाए ना तो ये वाइस कैप्टन का कंटेंडर है, 3 नंबर पर बैटिंग ऑर्डर, 3 ओवर बॉलिंग और सेलेक्शन 4%। कैप्टन तो इसको कौन ही बनाएगा, सेलेक्शन ही 4% है, इसलिए नमन देर अच्छा पिक रहेगा। ग्रैंड लीग की टीम में इसको लेकर चलो, गजब का ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है। बैटिंग आती है तो वहां से भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, अगर 3 नंबर पर बैटिंग करता है और 3 ओवर बॉलिंग करता है वो तो अलग से एडवांटेज होगा, इसलिए अच्छा ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी लग रहा आज मेरे को। 3 ओवर बॉलिंग, 3 नंबर पर बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग अच्छी कर लेता, बॉलिंग से विकेट निकाल सकता, तो अच्छा पिक तो रहेगा ही अगर टीम कोई चेंजेस ना कर दे तो। इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे ना कर दे, इनसे ओवर ना करवाए तो उस सिचुएशन में थोड़े रिस्की हो जाएंगे, नहीं तो आप इसको फिक्स खिलाड़ी मान लो, फिक्स ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी, 3 नंबर पर बैटिंग, 3 नंबर पर 3 ओवर बॉलिंग, अच्छा पिक हो सकता है, ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी आप इसको ट्राई कर सकते हो। और जब तक 4% सेलेक्शन दोस्तों, अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी है, टीम बनाते वक्त हमको यही तो देखना होता है कि कौन बॉलर है जो ज्यादा ओवर बॉलिंग कर रहा है, जिसके बैटिंग करने के भी ज्यादा चांसेस है और जिसका सेलेक्शन भी काफी कम है, तो वो नमनदीप सिंह है, अच्छे पिक हो सकते हैं, आप इसको ट्राई करना। सूर्य कुमार यादव फिक्स खिलाड़ी रहेंगे, 56, 10, 26, 10, 78, 52, 3 मैचों में अच्छी नहीं इसके लिए, यहाँ पर 52, 78 और 56, बाकी 4 मैचों में, 2 मैचों में तो 0 पर रहे हैं, सुपर फ्लॉप रहे हैं, 2 मैचों में एवरेज रहे हैं, यानी कि बड़े खिलाड़ी फ्लॉप होते हैं, तो फिलहाल आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अच्छी बैटिंग करते हैं, विकेट्स गिरने के काफी कम चांसेस होते हैं, चल जाते तो 50 के आसपास स्कोर कर देते हैं, तो फिर भी अच्छे खिलाड़ी रहेंगे, सीबीसी के भी ऑप्शन रहेंगे। फिर बात करते दोस्तों हार्दिक पांड्या, अच्छे खिलाड़ी रहेंगे, बैटिंग और बॉलिंग दोनों अपॉर्चुनिटी है, यानी कि फिक्स खिलाड़ी तो हो ही गए, बैटिंग से नहीं चलते हैं तो बॉलिंग से विकेट निकालेंगे, अगर बॉलिंग से चल जाते हैं तो विकेट नहीं मिल रहा, लेकिन पॉइंट्स जरूर देंगे। अगर दोनों ही चीजें हो जाती हैं, बैटिंग से भी 40 रन बना दिए प्लस विकेट्स भी निकाल ली दो, तो कैप्टनसी के कंटेंडर हो जाएंगे। कैप्टनसी का 3% सेलेक्शन है, जहां पर ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा को ज्यादातर लोग कैप्टन बना रहे हो, आप हार्दिक पांड्या को अच्छा कैप्टन मान सकते हो, अच्छा मान सकते हो। वैसे तो कैप्टनसी उतनी अच्छी कर नहीं रहे मैच में, लेकिन हम अपनी टीम में इनको कैप्टनसी रख सकते हैं, क्योंकि 2 विकेट्स निकाल ही रहे हैं लास्ट के 2-2 मैचों से, प्लस 4 नंबर पर, 5 नंबर पर बैटिंग करेंगे तो पॉइंट्स बैटिंग से भी देने के अच्छे चांसेस है, तो अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन है, सेलेक्शन अच्छा खासा। तेलकुरमा लास्ट के 2 मैचों से फ्लॉप चल रहे हैं, वैसे भी टीम में इनकी जगह नहीं बन पाएगी, क्योंकि मैं रिस्क लूंगा तो इनकी जगह पर सीधे नमनदीर को लूंगा, और लास्ट मैच में तिलक वर्मा की जगह पर नमनदीर आए थे, ये रिस्क जरूर हो सकता है कि इनसे ऊपर 3 नंबर पर, 4 नंबर पर तिलक वर्मा बैटिंग करने के लिए आ जाए, और फिर 4 या 6 नंबर पर नमनदीर बैटिंग करने के लिए आ जाए, उस सिचुएशन में नमनदीर फ्लॉप हो सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ऐसा रिस्क जरूर रहेगा। फिलहाल मैं तिलक वर्मा की जगह पर नमनदीर को ही अपनी टीम में रखूंगा। फिर बात करते हैं नियाल वडेरा, 2 मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस, उसके बाद फ्लॉप रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है तो आराम से ड्रॉप कर सकते हैं। टीम डेविड, इनका भी बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, लेकिन 24, 35, 37 कुछ मैचों में अच्छे इनिंग्स खेली है, तो इसलिए ज्यादा अच्छे पिक नहीं रहेंगे, इनको इजिली ड्रॉप कर सकते हैं। अगर मुंबई इंडियंस पिछले मैच की तरह सुपर फ्लॉप हो गया टॉप ऑर्डर सारा का सारा, उस सिचुएशन में टीम डेविड और निहाल वडेरा को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, यानी कि आप अपनी टीम का एक कॉम्बिनेशन ऐसा बना सकते हो कि रोहित शर्मा भी आउट हो सकता है, तिलक वर्मा, ईशान किशन, अगर ये आउट होते हैं तो टीम डेविड और निहाल वडेरा में से कोई एक अच्छी नहीं खेल सकता, लेकिन वो चांसेस कम रहते हैं हर मैच में। फिर बात करते हैं दोस्तों कोटे जी, विकेट टेकिंग बॉलर्स, लेकिन रिसेंट फॉर्म ज्यादा अच्छी नहीं है, सेलेक्शन 19% है, ज्यादा अच्छे पिक नहीं रहेंगे, इजिली ड्रॉप करूंगा। पीयूष चावला 1-2 विकेट निकाल लेंगे ही, चाहे बॉलर्स में पेसर्स को ज्यादा हेल्प हो, फिर भी एक आधा विकेट निकाल लेते हैं। हेटवर्ड 18 मैचों में 13 विकेट, वन ऊपर 17 मैचों में 13 विकेट, अच्छे पिक रह सकते हैं, यानी कि ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी रह सकते हैं, क्योंकि ये बंदा 3 से 4 ओवर बॉलिंग करेगा, वहां पर इसको विकेट मिलने के चांसेस रहते रहते हैं, तो ये भी ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी रहेगा 7% में। पहला नमनदीर, दूसरा पीयूष चावला ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी, बाकी जसप्रीत बुमराह को तो लेकर चलना ही है कैसी भी सिचुएशन हो, और लास्ट मैच में 3 विकेट निकाली, अच्छे पिक करेंगे, आराम से लेकर चलो। नुआन तुसारा दोस्तों, लास्ट मैच में हमने अच्छा ट्राई किया और मैंने तो इसको वाइस कैप्टन भी बनाया था ग्रैंड लीग की टीम में, 3 विकेट निकाले गया, अच्छा पिक रहेगा, क्योंकि और इनके पास ज्यादा बॉलर्स है नहीं, तो अच्छे खासे ओवर बॉलिंग करेगा, सेलेक्शन 33% है, लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले, तो इस मैच में भी विकेट निकालने का रहेगा, लेकिन लास्ट मैच में 3 मिल गई थी तो आज शायद 1 या 2 ही विकेट मिले, तो फिर भी अच्छा और सेफ पिक हो सकता है आपके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 की। सबसे पहले अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे,
टी नटराजन इंपैक्ट खिलाड़ी, अनमोल प्रीत सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, क्लासेन, अब्दुल समाद, शहबाज अहमद, जन सेन, पैट कमिंस, जयदेव नाटकट और भुवनेश्वर कुमार, ये इनकी प्लेइंग इलेवन है। बॉलिंग की बात करें तो चार ओवर नटराजन, चार ओवर भुवनेश्वर कुमार, चार ओवर कमिंस, चार ओवर माइक्रो जानसेन, ये चार इनके मेन बॉलर्स हैं जो चार चार ओवर करते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने लास्ट मैच में चार चार ओवर किए थे। अगर किसी की पिटाई होती है तो एक दो ओवर कट सकता, वो आपको कौन करते हुए दिखाई देंगे? नीतीश कुमार रेड्डी कर सकते हैं, शहबाज अहमद कर सकते हैं, उनाद कट, उनाद कट के ज्यादातर चांसेस है, उनाद कट दो से तीन ओवर कर सकते हैं, बाकी दो ओवर रेड्डी और शहबाज अहमद में डिवाइडेड हो सकते हैं, या फिर किसी बॉलर्स की पिटाई होती है तब इन दोनों में दो दो ओवर डिवाइडेड, यानी कि तीन से चार ओवर डिवाइड हो सकते हैं। पावर प्ले में भुवनेश्वर कुमार और माइक्रो जानसेन, ये आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। डेथ की बात करें भुवनेश्वर और आपको पैट कमिंस, टी नटराजन कन्फर्म है इनकी तरफ से डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब दोस्तों यहां से किस खिलाड़ी को लेकर चले, किसकी रिसेंट फॉर्म कैसी है? ट्रेविस हेड लास्ट मैच में 58-13-1-89, 102-21-31-19-62 सेलेक्शन 94%, कैप्टनसी का सबसे ज्यादा खिलाड़ी है, फॉर्म अच्छी है, रिकॉर्ड अच्छी है, वेन्यू पर ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन गजब का खेल रहा बंदा, बैटिंग विकेट पर और भी अच्छा खेल सकता है, तो इंपोर्टेंट रह सकता है आज के मैच में, आप इसको टीम में ट्राई करो, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन का ज्यादा सेलेक्शन है तो मैं सजेस्ट करूंगा तो आप इनको एज ए फिक्स खिलाड़ी अपनी टीम में रखो, सीवीसी शायद ज्यादा अच्छा पिक ना रहे। फिर बात करते हैं अभिषेक शर्मा, लास्ट के दो मैचों से ये भी फ्लॉप रहा है, 31-46-34-16 सेलेक्शन 81%, खिलाड़ी ये भी अच्छा है, रिकॉर्ड अच्छे हैं, हेटवर्ड खराब है, मुंबई के खिलाफ बहुत खराब खेलता है, वेन्यू पर ठीक खराब है लेकिन आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस है, 30-40 रन बना जाता है, खिलाड़ी काफी शानदार है, बड़ी इनिंग्स अभी तक आई नहीं इनके बल्ले से। अनमोल प्रीत सिंह दोस्तों अब एक ये भी ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हो सकता है, शायद अनमोल प्रीत सिंह विकेट्स कीपर ऑप्शन में है, अगर ये बंदा तीन नंबर पर बैटिंग कर गया ये ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी रहेगा आज, ट्राई करो, 5% सेलेक्शन है, गजब का बैट्समैन है, लास्ट के दो मैचों में उतना अच्छा नहीं कर पाया लेकिन कभी भी बड़ी इनिंग्स खेल सकता है अनमोल प्रीत सिंह, काफी अच्छा बैट्समैन है और आप इसको एज ए ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हैदराबाद की तरफ से लेकर चल सकते हो। पहला ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी रहेगा मेरा हैदराबाद की तरफ से अनमोल प्रीत सिंह, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, लास्ट मैच में गजब का खेला, उससे पहले भी दो मैचों में गजब का खेल चुका है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेगा, लास्ट मैच में ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी था, अब सिलेक्शन 86% हो गया तो टीम में तो लेकर चलना ही चला, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा और अच्छी बैटिंग कर रहा है नीतीश कुमार रेड्डी, तो अच्छा पिक रह सकता। फिर बात करते हैं दोस्तों क्लासेन, देखो अगर आप अनमोल प्रीत सिंह को अपनी टीम में ट्राई कर रहे हो तो फिर आप क्लासेन को ड्रॉप कर सकते हो, अगर अनमोल प्रीत सिंह को आप अपनी टीम में नहीं ले रहे हो तो फिर आप क्लासेन को ले सकते हो, क्लासेन 42-20-7-15-67-9-10 यानी कि क्लासेन को मौका मिलता तो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल लेता। अब्दुल समाद ज्यादा अच्छे पिक नहीं रहेंगे, मिडल ऑर्डर्स में है, 4% सेलेक्शन है, 15-10-13-17-32 उतनी अच्छी रिसेंट फॉर्म भी नहीं है, बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा नीचे है, शहबाज अहमद ज्यादा अच्छे पिक नहीं रहेंगे क्योंकि अभी इनके ज्यादा ओवर बॉलिंग नहीं मिलने वाली है, लास्ट मैच में भी एक ही ओवर बॉलिंग किया, इस मैच में भी एक आधा ओवर ही करेंगे, बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है तो ज्यादा अच्छे पिक शहबाज अहमद भी नहीं रहने वाले। माइक्रो जानसेन है विकेट टेकिंग बॉलर, जैसे ही खेले मेरे को पता था सभी लोग इसको अपनी टीम में लेंगे लेकिन मैंने इसको एक टीम में भी नहीं लिया, खिलाड़ी काफी अच्छा है, रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा है लेकिन आज भी मैं माइक्रो जानसेन को शायद अपनी टीम में ना रखूं, मेरे हिसाब से आज भी ज्यादा विकेट्स नहीं, ज्यादा से ज्यादा इसको एक विकेट्स मिल सकती है, आज भी लोग इसको सीवीसी करके आने वाले, लास्ट मैच में कुछ लोगों ने इसको सीवीसी किया था लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा पिक नहीं रहेगा, सिलेक्शन ज्यादा नहीं है, 18% है। पैट कमिंस ये अच्छा पिक हो सकता है, 2-3-1-0-3-1 अच्छा खासा पिक हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन एक दो विकेट निकाल लेगा तो ठीक ठाक पिक रहेगा। जयदेव नाटकट ये भी ज्यादा अच्छा पिक नहीं रहेगा। फिर बात करें दोस्तों लास्ट मैच के हीरो ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी की, भुवनेश्वर कुमार, मैंने आपको बोला था ना भुवनेश्वर कुमार आज के मैच में चलेगा क्योंकि अभी तक वो इनिंग्स आई ही नहीं थी, बंडल में विकेट का फैक्टर था ही नहीं तो वो तो आना ही था, इन्होंने लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले, आज भी सिलेक्शन ज्यादा नहीं है, आज भी ये ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी रहेंगे भुवनेश्वर कुमार, तो मैं आज भी भुवनेश्वर कुमार को अपनी टीम में लेकर चलूंगा। बाकी टी नटराजन गजब की फॉर्म में है बंदा, हर मैच में विकेट निकाले है तो आप टी नटराजन को चाहो तो टी नटराजन को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, टी नटराजन विकेट कन्फर्म निकालेगा ये कन्फर्म है, हाँ बंडल में देखते हैं मिलती है नहीं मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी फाइनल टीम की, विकेट कीपर में दोस्तों मैंने ईशान किशन को लिया हुआ, बैट्समैन में मैंने सूर्य कुमार यादव, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और नमनदीप के ऊपर मैंने रिस्क लिया है,
हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, चार बॉलर्स लिए मैंने, बुमराह, पैट कमिंस, भुवनेश्वर, नुआन तुसारा, क्योंकि पेसर्स को ज्यादा एडवांटेज है तो मैंने सारे पेसर्स को अपनी टीम में रखा हुआ। अब दोस्तों आज के मैच में कैप्टन है मेरा हार्दिक पांड्या, जो बॉलिंग बैटिंग दोनों से पहुंच जाएगा। और आज के मैच का गिवे का अभी क्वेश्चन ये रहेगा कि हार्दिक पांड्या कितने रन बनाएगा और कितने फैंटेसी पॉइंट्स देगा। अब दोस्तों बात करते हैं वाइस कैप्टन की, उससे पहले बात कर लेते हैं ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी की। एक ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी, दो तीन ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी को तो मैंने यूज कर लिया, बाकी और कौन ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हो सकता है? पीयूष चावला ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हो सकता है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अनमोल प्रीत सिंह ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हो सकता है। ये दो और ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है दोस्तों जिनको आप अपनी टीम में ट्राई करके ग्रैंड लीग विन कर सकते हो, यानी कि इन दोनों को भी मैं अपनी टीम में ट्राई करूंगा। आप चाहो तो ट्रैविस हेड या अभिषेक शर्मा में से किसी एक की जगह पर अनमोल प्रीत सिंह को ट्राई कर सकते हो, या फिर इन्हीं दोनों की जगह पर आप चाहो तो हेनरी क्लासेन को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी को टीम में रखना जरूरी है, फिलहाल मैंने रख लिया। बाकी जो और वीडियो में मैंने बात की थी ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी की, उनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं और ग्रैंड लीग विन करने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों कैप्टन रहेगा मेरा हार्दिक पांड्या। वाइस कैप्टन की बात करें तो वाइस कैप्टन कौन अच्छा हो सकता है? जसप्रीत बुमराह अच्छे वाइस कैप्टन के ऑप्शन है, और भुवनेश्वर कुमार अच्छे वाइस कैप्टन के ऑप्शन है, सूर्य कुमार यादव अच्छे वाइस कैप्टन के ऑप्शन है। यही तीन मेरे को ज्यादा अच्छे वाइस कैप्टन के ऑप्शन लग रहे हैं, बाकी फाइनल वाइस कैप्टन बताऊंगा मैं आपको टेलीग्राम पर, इसलिए फाइनल टीम मिलेगी टेलीग्राम पर, क्योंकि आज के मैच में काफी चेंजेज हो सकते हैं, तो चेंजेस के हिसाब से टीम बन जाती है, बदल जाती है, तो फाइनल टीम दोस्तों मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। इसलिए टेलीग्राम को अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं।